मथुरा जनपद में चल रही नामांकन प्रक्रिया के चलते आज मथुरा के जिलाधिकारी नमनी सिंह चहल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर के द्वारा जनपद के सभी ब्लॉकों का बड़ी ही बारीकी के साथ निरीक्षण किया गया और नामांकन प्रक्रिया में किसी तरह की अव्यवस्था पैदा न हो इसी के चलते सभी अधीनस्थों को निर्देश। मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इस मामले को लेकर काफी गंभीर नजर आए और उनके द्वारा किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति एवं प्रलोभन देने वाले व्यक्ति पर कड़ी नजर रखने की बात कही गई और ऐसी स्थिति में संदिग्ध नजर पर कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही। उनके द्वारा हमारी टीम को बताया गया कि किसी भी आपराधी को नामांकन क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और ऐसे व्यक्ति के द्वारा किसी भी तरह की अनैतिक कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही। संबंधित आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, हमारे और डीएम साहब द्वारा सभी एरियाज और ब्लॉक्स का निरीक्षण किया जा रहा है। चुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराना ही जिला प्रशासन का एकमात्र लक्ष्य है और कोई भी व्यक्ति अराजक तत्व आपराधिक तत्व अगर चुनाव के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर नज़र रखी जा रही है, उसके ऊपर बहुत कठोर कार्रवाई, चाहे वो गुंडा है, गैंगस्टर है, और ज़रूरत पड़ने पर NSA की कार्रवाई भी की जाएगी। आपके माध्यम से मैं यहाँ क्षेत्र की सभी जनता से अनुरोध करूंगा कि शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए और बिना किसी भय, डर और प्रलोभन के चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन का सहयोग करें और ऐसे तत्वों जिनके द्वारा माहौल खराब किया जा सकता है या किसी को प्रलोभन या धरा धाम का के ऐसी बातें की जा रही हैं तत्काल प्रशासन को बताएं, ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कहीं किसी तरह की कोई सूचना